के पहले एपिसोड पर। अदिति अपने हॉस्टल के रूम में अपने बेड पर लेटी हुई कब से सीलिंग फैन को ही घूर रही थी। पता नहीं क्या क्या ख्याल उसके दिमाग में आ जा रहे थे। जिंदगी में पहली बार वो इतनी कंफ्यूज्ड थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। कॉलेज में इंटरनल एग्जाम्स चल रहे थे मगर उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो अपने फोन पर आए हुए एक मेल को लेकर बहुत परेशान थी। ये मेल उसकी एक एप्लीकेशन का एक्सेप्टेंस था जिसके लिए अदिति को खुश होना चाहिए था, मगर वो बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे लेकर कैसे रिएक्ट करे। अदिति पिछले एक महीने से बहुत ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि करीब एक महीने पहले उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। उसकी फैमिली रतलाम एमपी में रहती थी। अपने परिवार से दूर अदिति हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वो क्लैट के एग्जाम में मेरिट में आई थी इसलिए उसे फुल स्कॉलरशिप मिली थी और उसी स्कॉलरशिप के साथ वो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी कर रही थी। उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इस समय बहुत ज्यादा खराब थी। हार्ट अटैक से पहले उसके पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे लेकिन तबियत खराब होने की वजह से उनकी वो जॉब छूट गई। अदिति के छोटे भाई बहन भी थे जो अभी पढ़ रहे थे। इन सबकी जिम्मेदारी अब उसी पर ही थी मगर उसकी डिग्री खत्म होने में अभी भी लगभग 4 महीने बाकी थे। उसके बाद भी जब उसकी जॉब लगती तभी वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकती थी। हालांकि अभी भी वो एक लॉ फर्म में जॉब कर रही थी मगर उसकी अर्निंग इतनी नहीं थी कि वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। उससे तो बस उसके ही छोटे मोटे खर्चे निकल पाते थे। कई बार उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस घर जाने के बारे में सोचा मगर फिर सोचकर ही रह गई। एक्चुअली इंदौर आने से पहले उसके पापा ने उससे ये प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। पापा की याद आते ही उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए। वो कैसे भी करके जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। ये मेल अदिति के लिए पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा मौका था और वो इसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी। मगर इसके लिए उसे जो काम करना था वो इतना आसान नहीं था। वो मेल वो लगभग 100 बार पढ़ चुकी थी और जैसे ही उसने 101वीं बार पढ़ना शुरू किया रावी ने रूम में आकर उसे आवाज दी। अरे यार अदिति, तू भी ना अभी तक यूं ही लेटी हुई है, लंच के लिए नहीं चलना क्या? उसकी ये बात सुन अदिति को याद आया कि आज संडे था और आज मेस की छुट्टी होती है। उसने कहा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेस बंद है। रावी और अदिति रूममेट्स थी, साथ ही बेस्ट फ्रेंड्स भी। वो भी उसके साथ बीएलएलबी ही कर रही थी। रावी ने उसे खींचकर उठाते हुए कहा, अब चलना यार, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अदिति का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मगर वो जानती थी कि रावी उसके बिना नहीं जाएगी और फिर वो रावी से इस मेल के बारे में बात भी करना चाहती थी। हॉस्टल में इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, अच्छा है कि कहीं बाहर ही बात की जाए। ये सोचकर वो उठकर तैयार हुई और रावी के साथ चलती। रावी पूरे रास्ते कुछ ना कुछ बोले जा रही थी मगर अदिति उसकी बात का एक भी शब्द जैसे सुन ही नहीं रही थी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई चली जा रही थी। तभी रावी जोर से चीखी, अदिति! उसकी चीख सुन अदिति जैसे किसी नींद से जागी और अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? रावी ने गुस्से से कहा, चिल्लाऊ नहीं तो और क्या करूं, तू तो जैसे नींद में चल रही है, तभी तो तुझे ना तो सामने से आती कार नजर आई और ना ही उसका हॉर्न सुनाई दिया। अदिति ने देखा वो चलते चलते सड़क के बीचों बीच पहुंच चुके थे। आसपास से गाड़ियां निकल रही थी मगर अदिति को इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। रावी ने उसका हाथ पकड़ रोड क्रॉस की और फिर दोनों पास ही के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। अदिति और रावी अक्सर इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे क्योंकि ये रेस्टोरेंट उनके हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पर था और उनका फेवरेट भी। खाना ऑर्डर करने के बाद रावी ने अदिति से पूछा, चल अब बता क्या बात है, मेरी बेस्टी इतनी टेंशन में क्यों है, सब ठीक तो है ना, अंकल की तबीयत तो ठीक है ना? इस पर अदिति ने जवाब दिया, आई डोंट नो यार, कल मम्मी का कॉल आया था तो उन्होंने बताया कि आप पापा पहले से बेटर हैं, बट यू नो ना मेरे घर वाले मुझे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए तो जब पापा को हार्ट अटैक आया तब भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। पापा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मम्मी ने मुझे कॉल किया, उन्होंने तो मुझे घर आने से भी मना कर दिया है ताकि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अभी भी मम्मी मुझे यही कह रही है कि पापा ठीक है और मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अभी हमारे इंटरनल चल रहे हैं इसलिए मैं चाहकर भी घर नहीं जा सकती। एंड यू नो, पापा के ट्रीटमेंट में सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब घर का क्या होगा, कैसे मैनेज होगा सब कुछ। कभी कभी तो मन करता है कि पढ़ाई छोड़कर वापस घर चली जाऊं, मगर मैंने पापा को प्रॉमिस किया था कि अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और बहुत बड़ी लॉयर बनूंगी,
और मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए पापा ने भी तो कितनी मेहनत की है। रावी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, तू बिल्कुल मत घबरा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी मेहनत के बाद तू यहाँ तक पहुंची है और अब तो हमारी डिग्री बस पूरी ही होने वाली है। ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है, अब सब छोड़कर वापस जाने के बारे में सोचना बेवकूफी होगी। हैव पेशेंस यार, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। डोंट नो यार, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ। ये सुन रावी ने हैरान होते हुए कहा, क्यों, और भी कुछ हुआ है क्या? अदिति ने अपना मोबाइल रावी के सामने ये करते हुए कहा, ये देख। रावी ने मोबाइल में देखा, ये वही मेल था जो अदिति हॉस्टल में पढ़ रही थी। जैसे जैसे रावी मेल पढ़ती गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती चली गई। पूरा मेल पढ़ने के बाद उसने मोबाइल अदिति को वापस दिया और उससे कहा, ये क्या है और कैसे, तूने तो उसके लिए मना कर दिया था ना, फिर ये मेल कैसे आया? तब अदिति ने उसे बताया, नहीं रावी, मैंने मना नहीं किया था। एक्चुअली मैंने इस बारे में बहुत सोचा और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे अवॉइड करना इतना आसान नहीं है यार। इस एक एक्सेप्टेंस से मेरी और मेरी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मगर तू ये कैसे कर सकती है? तुझे पता भी है तुझे इसके लिए क्या करना होगा। अदिति देख, जल्दबाजी में इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत ले, एक बार अच्छी तरह से सोच ले। ये बहुत बड़ी बात है यार, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा जितना तू सोच रही है। यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ये तेरी पूरी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए प्लीज एक बार अच्छे से सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लेना। रावी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अदिति भी क्या करती, उसकी फैमिली की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। सोचने से क्या होगा यार, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मेरे घर की सिचुएशन तो तू जानती है, और अब पापा की तबीयत खराब होने के बाद तो सिचुएशन और भी वर्स हो गई है। पापा की जॉब चली गई है, मम्मी ने एक स्कूल में जॉब ज्वाइन की है, कुणाल और पिंकी भी स्कूल के बाद घर पर मम्मी की हेल्प करते हैं। इस उम्र में उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उन सभी की तकलीफ मुझे देखी नहीं जा रही। सबको मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है और एक मैं हूँ जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। रावी ने उसे शांत करते हुए कहा, तू ऐसा क्यों सोच रही है यार, बस एक बार तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर तेरी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स टेम्पररी है। अदिति फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, रावी क्या तुझे नहीं पता कि प्रैक्टिस जमने में कितना वक्त लगता है? हमारे देश में लोग वकील और डॉक्टर एक्सपीरियंस ही पसंद करते हैं और मैं इतने साल वेट नहीं कर सकती। और फिर पापा की तबीयत का क्या, इनके इलाज के लिए भी तो पैसे चाहिए, पिंकी और कुणाल की पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। मैं अपनी प्रैक्टिस जमने तक का वेट नहीं कर सकती यार, मुझे अभी पैसों की जरूरत है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आई कैन नॉट इग्नोर इट। रावी अदिति की बात समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसे उसका ये कदम उठाना सही नहीं लग रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड यार, मगर फिर भी तेरी प्रॉब्लम्स को दूर करने का कोई और रास्ता भी तो होगा, यही एक ऑप्शन नहीं है यार, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अदिति ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच चुकी हूँ बट इससे बेटर कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मैं बैंक लोन नहीं ले सकती, ना ही मेरा कोई ऐसा फ्रेंड या रिलेटिव है जिससे मैं इतने सारे पैसे उधार ले सकूं। अगर कहीं और जॉब करूंगी तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। इसके अलावा तू बता और क्या ऑप्शन है जिससे मैं इतने पैसे कमा सकूं? यार, it's really a huge opportunity to earn money. I need it. रावी उसकी चिंता करते हुए बोली, अदिति तू बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंची है, कहीं तेरा ये कदम तुझे तेरे करियर से तेरे सपनों से दूर ना कर दे। अदिति लगभग रोते हुए बोली, मेरा कोई भी सपना मेरे परिवार से बड़ा नहीं हो सकता यार, और रही करियर की बात तो वो तो मैं बाद में भी बना सकती हूँ ना, मगर इस समय मेरी फैमिली को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है और उनके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। इस रास्ते के अलावा इतना पैसा इस समय मुझे और कहीं से नहीं मिलेगा। I have to do this. रावी समझ चुकी थी कि वो फैसला कर चुकी है। उसने धीरे से कहा, ठीक है यार, इफ यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन फॉर यू देन आई एम विद यू। मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ, बस थोड़ी चिंता हो रही है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यही बात अदिति के दिमाग में भी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी और कोई फैसला ले नहीं पा रही थी। उसका एक मन कर रहा था कि अपनी फैमिली के लिए ये कदम उठा ले, तो दूसरी ओर दिमाग कह रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। हे भगवान, कैसी अजीब उलझन है, क्या करूं क्या नहीं। उसे इस समय सिर्फ इस काम से मिलने वाला पैसा दिख रहा था और कुछ नहीं। वो बस एक बात जानती थी कि अगर वो ये कदम उठाती है तो उसकी फैमिली की सारी टेंशन एक साथ खत्म हो जाएंगी। कुछ देर बाद दोनों अपना खाना खत्म करके वापस हॉस्टल आ गए थे। उन लोगों के इंटरनल एग्जाम चल रहे थे, मगर अदिति का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा पहली बार था कि एग्जाम के टाइम में भी अदिति पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। उसने अब तक के सारे एग्जाम्स में टॉप किया था, हमेशा से वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी। 12th के बाद क्लैट के एग्जाम में भी वो मेरिट में आई थी,
इसी वजह से उसे फुल स्कॉलरशिप मिली थी और इसी कारण वो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर पा रही थी, वरना उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ऐसे कॉलेज में पढ़ पाती। उसके छोटे भाई बहन रतलाम में ही पढ़ाई कर रहे थे। पूरा परिवार अदिति से उम्मीद लगाए था कि जल्द से जल्द उसका करियर शुरू हो और उनकी फैमिली की मुसीबतें खत्म हो सके। अदिति खुद भी यही चाहती थी कि जल्द से जल्द उसकी पढ़ाई खत्म हो और वो कुछ बन जाए ताकि उसके परिवार के लिए वो कुछ कर सके। वो अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया। जब से उसके पापा को हार्ट अटैक आया था तब से फोन की हर रिंग उसके दिल की धड़कने बढ़ा देती थी। किसी बुरी खबर का डर उसे सताने लगता था। ऐसी ही फीलिंग्स के साथ उसने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर अंकिता कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। अंकिता उसके साथ जॉब करती थी। ये देखकर उसने चैन की सांस भरी और कॉल पिक कर बोली, हाय हाय अंकिता। दूसरी ओर से अंकिता ने कहा, हाय अदिति, मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए था यार। अदिति ने उससे पूछा, हाँ बोलना। वो आज मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, क्या मेरी जगह तू चली जाएगी? कुछ जरूरी ड्राफ्टिंग करनी है, अगर तू हाँ कर देगी तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी, वरना तू तो सर को जानती ही है ना, वो मुझे छुट्टी नहीं देंगे। इस पर अदिति ने उससे कहा, मगर अंकिता आज तो संडे है। आई नो यार, मुझे पता है यार तेरा वीक ऑफ है, बट प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मुझे सच में बहुत अर्जेंट काम है। अदिति का मन वैसे भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था तो उसने सोचा, ऑफिस ही चली जाती हूँ, शायद माइंड डाइवर्ट हो जाए। यही सोच उसने अंकिता से कहा, ओके आई गो। उसकी हाँ सुनते ही अंकिता ने खुश होते हुए कहा, थैंक्स अ लॉट यार, इट्स ओके। ये बोल अदिति ने कॉल कट किया और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। अदिति अपनी पढ़ाई तो स्कॉलरशिप की मदद से कर पा रही थी, मगर अपने बाकी खर्चे पूरे करने के लिए वो एक लीगल फर्म नागपाल एंड एसोसिएट्स में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। ऑफिस में उसके बॉस ने ऐसे कुछ लीगल ड्राफ्टिंग का काम दिया था, उसे करने के बजाय उसने 15 दिन पहले एक लीगल ड्राफ्ट की फाइल को ओपन किया और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। ये एक कपल और एक सरोगेट मदर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। इस कपल को शादी के कई साल बाद तक भी बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने सरोगेसी के जरिए अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो औरत जो सरोगेसी के लिए तैयार हुई है उसे उस कपल के बच्चे को अपनी कोख में पालना होगा और फिर जन्म के बाद बच्चे को उस कपल को सौंप देना होगा। जन्म के बाद बच्चे का और जन्म देने वाली माँ का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इसके बदले उसे एक भारी रकम दी जाने वाली थी, जिसका जिक्र भी उस कॉन्ट्रैक्ट में था। ये अमाउंट 6 डिजिट्स में था। अदिति के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। अदिति ने बड़े ध्यान से उस कॉन्ट्रैक्ट के हर क्लॉज को पढ़ा। वो इसे समझने की कोशिश कर रही थी।